नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल देख ही रखा होगा, तो जो आज काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार मैं लोग मेरे पास आते हैं, खास करके यंगस्टर, जो हमारे यंगस्टर जो मेरा वीडियो देखते हैं या फिर जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी इनको मैं कंसल्टेशन, उनमें बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं, मेरा लव अफेयर है या फिर मेरा किस तरह से मेरी शादी होगी, मेरा मतलब लव सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे आपको सिंगल सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन अगर हैं कुछ ऐसे सिंपल, तो आप वहाँ पे मुझे पूछेंगे तो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी चाहें तो एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी आप सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि टॉपिक है लव मैरिज। तो दोस्तों लव के लिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो दे रखा है लव सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, यानी कि व्हाट मेक्स यू अ सेक्सुअली एक्टिव, कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें, आप ऐसी पर्सनैलिटी कैसे हो, तो उसके बारे में काफ़ी थोड़ा सा मैंने डिटेल वीडियो दे रखा है। आगे भी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ जरूर देता रहूँगा, तो एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट लव के लिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किसको कितना अट्रैक्ट करते हो, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखा है, लव सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लव के लिए देखिए, लव के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैंने उसमें ही बताया है, उस वीडियो में भी इस बात की मैंने चर्चा की है। लव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मून। मून जो होता है वो मन का कारक माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो मन ही तो वो चीज़ है जिससे हम किसी को पसंद करते हैं, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे मन से ही तो आती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही तो वो निकल के आती है। तो जो हमें पसंद है हम कहाँ से जज करते हैं, मन से। कोई चीज़ हमारे मन को भाती है तभी हमें वो चीज़ पसंद आती है। प्रेम में भी यही होता है, कोई हमें मन को भाता है या फिर हम किसी को भा जाते हैं, ऐसे ही प्रेम की शुरुआत होती है। सबसे पहले चंद्रमा का अच्छा होना, चंद्रमा का मजबूत होना, चंद्रमा का मैलिफिक एस्पेक्ट में ना होना, ये पॉजिटिव साइन होता है लव एक किस, अगर आप लव अफेयर्स में आपका अफेयर चल रहा है या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा मैलिफिक एस्पेक्ट में, कंजंक्शन में राहु केतु शनि के साथ अगर है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे लव मैरिज होती है लेकिन बहुत झंझटों के बाद होती है, और कई अपोजिशंस आपको फैमिली से, बहुत प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर मैरिज को, लव मैरिज को सक्सेस करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको बिलोंग बियॉन्ड द लाइन जाना पड़ेगा, आपके ट्रेडिशन, आपके कास्ट हो सकता है, तो उसके खिलाफ आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, वो उसमें भी होता है। उसके बाद बात करें शुक्र, वीनस वीनस इज द प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लव। जैसे कि आप जानते हैं कला, और कला, प्रेम, पैसा, इन आज के डेट में वीनस की अपनी सबसे बहुत ज़्यादा अधिक अधिक महत्वता है, बिकॉज वीनस प्रेम का एक तरह से सिंबल, एक तरह से प्रेम को दर्शाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। फॉर एग्जांपल मन है तो वीनस और मून का जो कंजंक्शन होता है या कनेक्शन है किसी भी दृष्टि, युति या फिर भाव द्वारा, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर लव मैरिज। अब बहुत अच्छे से मैं जो कहूँगा उसे समझते जाइएगा। देखिए दोस्तों, हमारे 12 भाव में जो पांचवा भाव होता है, लग्न के हिसाब से अलग हो सकता है सबका, लग्न के लग्न जैसे बदलेगा। जैसे मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में पहला साइन जो है एक नंबर है, आपके वहाँ जहाँ पे एक नंबर लिखा हो वहाँ पे 2 भी हो सकता है, वहाँ पे 3 भी हो सकता है, लेकिन पांचवा भाव वहीं पे होगा जहाँ पे यहाँ इस चार्ट में दिख रहा है, पांचवा भाव वहीं पे होगा। तो पांचवा भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है वो आपका पांचवा भाव है। तो पांचवा भाव दोस्तों जो होता है आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों को दिखाता है। पांचवा भाव संतान का होता है, पांचवा भाव बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, आपके पेट का होता है, इन सब चीज़ों का होता है, साथ ही साथ प्रेम संबंध का होता है पांचवा भाव। पांचवा भाव प्रेम को दर्शाता है। पांचवा भाव पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को इस जन्म में किस तरह से आपको कैसे मिलेगा वो भी एक तरह से उसके लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवा भाव जो है दोस्तों यहाँ पे प्रेम को दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पकड़ना है, मैंने जैसे कहा कि पांचवे भाव का स्वामी इस कुंडली में तो 5 नंबर लिखा है, नहीं सूर्य है, आपकी कुंडली में कोई और भी हो सकता है, जो भी चार्ट चेंज होगा
आपका अगर लग्न है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वृष लग्न है, दो नंबर, जहाँ पे एक नंबर लिखा, वहाँ पे दो नंबर लिखा हुआ है, तो आपका पांचवें भाव का स्वामी जो हो बुध हो जाएगा वहाँ पे, छः, बिकॉज वहाँ पे छः नंबर लिखा होगा। तो इसी तरह से आपको अपने कुंडली के हिसाब से समझना है। तो पांचवा भाव जो होता है, जब भी उसका संबंध 11वें से हो जाए, यानी कि जैसे कि इस कुंडली में सूर्य का संबंध अगर शनि से है, सूर्य का संबंध और शनि से है, तो अगर लग्न में है तो कहीं ना कहीं ये प्रेम इनकी जीवन में होगा। लेकिन याद रखिए ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पे प्रेम संबंध होने से प्रेम संबंध हो सकता है, प्रेम संबंध आगे बढ़ सकता है, लेकिन सक्सेस होने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दोनों भी शत्रुवत प्लैनेट है पहले ही इस कुंडली में। इस कुंडली में अगर देखें तो दोनों शत्रुवत है। लेकिन अगर ये यहाँ पे वृष लग्न होता तो यहाँ पे ये शत्रुवत प्लैनेट नहीं हो पाते। यहाँ पे एक तरह से बुध और गुरु जो कि शत्रुता मानी जाती है, लेकिन उतनी गहरी शत्रुता हम नहीं समझते, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो अगर 11वें और 5वें, 5 और 11 का संबंध आपकी कुंडली में बनता है, पहला चीज़ ये दिखाता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं लव अफेयर्स होंगे, जीवन में कहीं ना कहीं ये मतलब एक बड़े लेवल, यानी कि 4 साल, 6 साल, 5 साल का अफेयर होता है ना, तो मैंने आप देखेंगे आजकल जो लॉन्ग टर्म अफेयर होगा, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा लॉन्ग टर्म अफेयर ज़रूर होगा। सक्सेस होगा कि नहीं, अब वो उसके ऊपर आते हैं। अगर 5th हाउस का संबंध, 5-11 का संबंध 8 से हो जाए, 8वें भाव से, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 8वां भाव है, 8 से हो जाए या 12 से हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये होने नहीं देगा। ये आपके ऑब्स्टेकल्स दिखाता है, यानी कि दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी और ये डिनाय हो जाएगा। अगर 5th लॉर्ड जो है वो कमज़ोर है, यानी पंचम भाव का स्वामी, वो बहुत कमज़ोर है, यानी कि डिग्री वाइज उसमें बल नहीं है, और साथ ही साथ वो 8th हाउस, 8th लॉर्ड के साथ है, ये कहीं ना कहीं आप प्रेम में बहुत बड़ा धोखा खाओगे, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको। सेम अगर 8 या 12 के साथ बैठा हुआ है, कंजंक्शन में है, और ऐसा भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपके 5th हाउस पे, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे दो मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है और मंगल की भी दृष्टि है। शनि और मंगल की दृष्टि अगर इस चार्ट पे पड़ेगी तो क्या होगा, पांचवा भाव। जैसे मैंने हमेशा एक बार बताया है कि कभी भी दो मैलेफिक प्लैनेट अगर एक भाव को या भाव के स्वामी को देखें तो उस भाव की हानि होती है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रूवन लॉजिक है। आप बहुत सारी कुंडली में से लगा के देखिए, आपको ज़रूर ये काम करता दिखेगा। अगर 5th हाउस को दो मैलेफिक एस्पेक्ट मिल रहा है, दो मैलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, या 5th हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आपके आपके जीवन के, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, संतान, आपके 5वां भाव, जैसे मैंने प्रेम संबंध, इन सब में कहीं ना कहीं परेशानियाँ, दिक्कतें आपको आएंगी आएंगी। और यहाँ पे भी मैं कहूँगा, यहाँ पे लव फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि प्रेम तो होगा लेकिन वो प्रेम आपके जीवन में एक तरह से बोलते हैं ना, विष की तरह काम करेगा, आपके वो आपके जीवन में रुकावट बना रहेगा। जब भी 5 का संबंध 8 से होता है तो ये प्रेम संबंध तो कराएगा, ये एक शॉर्ट फिजिकल रिलेशन भी दिलाएगा आपको, लेकिन उसको सोशल और एक पॉजिटिविटी से आपके लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। 5th हाउस का कनेक्शन, अब यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट का अगर बात करें, जैसे कि 5वें भाव और 11वें भाव का कंजंक्शन है और पॉजिटिव प्लैनेट्स और उन पे मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 5th हाउस का संबंध 7 और 11 से बन जाए, ये भी बहुत अच्छा है लव मैरिज के विथ, यानी कि आपके फैमिली वाले भी मान जाएंगे और फाइनली आपकी अच्छे से शादी हो जाएगी, अगर 5, 7, 11 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो। 5, 7 यानी कि पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव के स्वामी के साथ हो, दृष्टि, युति या किसी भी तरीके से उसके साथ बैठा हो, यानी 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ का स्वामी, और जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ, इन तीनों का कंजंक्शन हो कहीं ना कहीं, या एक दूसरे को कनेक्ट हो दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, तो ये बहुत अच्छा संजोग बनाते हैं कि आपकी जो लव मैरिज है वो हो जाएगी और आपके फैमिली वाले भी इसे पूर्णतः सहमति दे देंगे। साथ ही साथ 2, 5, 11 भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फैमिली का आपको सपोर्ट मिल जाएगा और ये आपका जो जो आप लव मैरिज के बारे में सोचें वो सक्सेस हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है, यानी कि 2 या 2, 5, 11 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, दो
वहाँ पे स्वामी कौन हुआ? शुक्र। 5 नंबर सूर्य, 11 नंबर शनि। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस यानी कि जो सूर्य है, और सूर्य और शुक्र अगर साथ में बैठे हैं और शनि 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 के उस पर एस्पेक्ट है, शनि शनि की एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं अगर कनेक्शन बन रहा है आपके चार्ट में 2, 5, 11 का, दृष्टि युति या नक्षत्र के द्वारा भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन। लेकिन याद रखिएगा, इस कॉम्बिनेशन में हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव आप पॉजिटिव प्लैनेट्स को पकड़िए। पॉजिटिव प्लैनेट्स मैंने जैसे बताया है कौन कौन से हैं। अब शनि शनि को आप ले सकते हैं, बट शनि और सूर्य का जो है उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा। बट हाँ, बट ये भी वैसे मैंने कहा कि ये लव कराएगा बट मैरिज तक जाने में बड़ी दिक्कत देगा। साथ ही साथ जब भी आप चार्ट देखें, ज़रूर ध्यान दें कि फिफ्थ हाउस के स्वामी की हालत क्या है, यानी कि उस पर मैलिफिक एस्पेक्ट तो नहीं, वो डिग्री वाइज एकदम जीरो तो नहीं या 29 नहीं है, या तो फिर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। यानी कि 8th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। 8वें भाव का स्वामी, जैसे इस कुंडली में 8वें भाव का स्वामी मंगल है, तो इसी तरह से आपके चार्ट में जो अष्टमेश है उसके साथ अगर पंचमेश बैठा हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ, ये भी रुकावट का काम करेगा। कहीं ना कहीं नुकसान, धोखा, इन सब चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा प्यार के उसमें। तो लव मैरिज सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है 5-11 है, उसमें 8 नहीं होना चाहिए। 8 नहीं यानी कि 8वें भाव के स्वामी से संबंध ना बने, 8वें भाव के स्वामी का एस्पेक्ट ना हो, पंचम भाव पे मैलिफिक एस्पेक्ट से ना हो, एक मैलिफिक से ज़्यादा यानी कि 2 मैलिफिक प्लैनेट अगर 5वें भाव को या 5वें भाव के स्वामी को देखें तो भी ये तकलीफदायक है, ये भी नहीं होने देगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुकावट पैदा करता है। शुक्र की स्थिति, शुक्र अगर 12वें भाव में, ये भी लव मैरिज सेक्सुअलिटी आपके लाइफ में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन शुक्र अगर कम्बस्ट हैं यानी कि अक्सर सूर्य से कम्बस्ट ज़्यादातर कुंडलियों में आपको मिलेंगे, सूर्य शुक्र से कम्बस्ट है, पीछे से कम्बस्ट यानी कि सूर्य जो है 10 डिग्री है और शुक्र जो है 5 डिग्री 6 डिग्री, ये भी एक तरह से दिखा ऑलमोस्ट कम्बस्ट हो जाता है, यानी कि 5 डिग्री से कम का, जैसे मैंने कई बार बोला शुक्र को 5 डिग्री से कम हो जाए तो 100% वो उसके रिजल्ट थोड़े उतने बेटर आपको नहीं मिल पाएंगे, फील नहीं हो पाएंगे। तो वो एक चीज़ है कि 12th हाउस में बट सूर्य के साथ है और कम्बस्ट है, उस केस में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि आपका लव मैरिज सक्सेस नहीं देगा। और मैंने ये भी कहा है कि शुक्र जब 12वें भाव में था, या अर्ली एज में प्यार या फिर इन सब चीज़ों से आपका सामना करा, अर्ली एज में आपको प्यार हो जाता है, यानी कि 17, 18 के टीन एज में कह सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप की चांसेस भी होते हैं अगर आपका शुक्र 12वें भाव में है, तो इसे आप देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों फिर से कहूँगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कुछ भी आपके वन वर्ड्स क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को थोड़ा सा और मैं डिटेल में कोशिश करूँगा, बिकॉज इसे समझाने के लिए काफ़ी बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है अगर मैं इसके लिए बताने जाऊँ तो कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इसको और डिटेल में, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूँ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।